ज़्यादा पैसे कमाएंगे, उधर अपनी बेहतरी के लिए, बच्चियाँ छोटे, इधर इतनी आमदनी नहीं थी, इसलिए मैंने 2015 में सोचा था जाने के लिए। वो फ़ायदा यही सोचा था कि उधर जाके कोई कारोबार करेंगे, छः पैसे कमाएंगे, छः पैसे कमा के इधर लेके आएंगे, फिर इधर कोई कारोबार करेंगे अपने बच्चों का कोई बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन उधर गए हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। वो बहुत ही बुरा सफ़र था। इधर से हम 2015 में मैं निकला हूँ, इधर से ईरान गया, ईरान से तुर्की, इस्तांबुल, इस्तांबुल से यूनान, फिर मकदोनिया, सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, उसके बाद जर्मनी। दो तीन मुल्कों में मैंने ट्राई किया, जर्मन में, फ्रांस में, इटली में, पेपरों के लिए भी अप्लाई किया तीनों में, लेकिन वो तवक्को मेरी पूरी नहीं हुई। काम भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, और जो अनलीगल होते हैं उनको इतनी पे भी नहीं मिलती। कह लेंगे जिनके जो लीगल है उनकी अगर 50 यूरो दिहाड़ी है, तो जो अनलीगल है उनको 20-25 यूरो मिलनी है, और हफ्ते में 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, और वो मेरी तवक्कोआत पूरी नहीं हो सकी। मैं कभी भी इनको मशवरा नहीं दूंगा, ये भाइयाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, जितने भी सुन रहे हैं, ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप डैंकी लगा के जाएं। ये ज़िंदगी मौत का खेल है, समझ लें कि ये मौत ही है। मगर मुझे पता होता ना कि इस तरह की जलालत होगी रास्ते में, या इतने मुश्किल रास्ते हैं वो, तो मैं कभी भी रिक्स नहीं लेता, कभी सोचता भी ना जाने के लिए उधर। जिस मकसद के लिए मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ था। मैंने सोचा था चलो उधर जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल होगा, लेकिन वो चीज़ उधर नहीं मुझे मिली। जब उधर गए हैं उस टाइम हमें पता चला कि कितनी मुश्किल आता है, रास्ते में जाते हुए भी उधर भी 6 साल रहे हैं, कोई उस तरह का काम नहीं मिला, अपने बच्चों से भी दूर हैं। IOM वालों ने भी बहुत हेल्प की है, उधर जब आए हैं उस टाइम भी पैसे दिए हैं, इधर आए हैं इधर भी उन्होंने हमें पैसे दिए, उन्होंने उधर भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी इधर पाकिस्तान पहुँचने तक। अब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वापस जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, जैसे अभी इधर ज़िंदगी गुजरेगी हम गुजारेंगे इंशाल्लाह।